हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी लाइफस्टाइल। एंड एज यू गाइस कैन सी, हम आ जाए हैं पल्टन बाजार एंड हियर वी आर गोइंग टू डू अ चैलेंज ऑफ 500 रुपीज। हमें 500 के अंदर अपना एक पूरा आउटफिट बनाना है, लाइक टॉप, जीन्स एंड फुटवेयर अगर हो पाया, एंड ऑल्सो इयररिंग्स। सो लेट्स सी हम 500 में क्या क्या खरीद पाते हैं एंड लेट्स गो। सबसे पहले हम करेंगे टॉप हंटिंग, जो कि इजीली 100-150 में मिल जाएगा एंड 50 में मिल सकता है। द डिफिकल्ट पार्ट इज पैंट्स, क्योंकि यहाँ पैंट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं एंड 500 से नीचे तो मैंने कभी यहाँ पैंट्स के रेट्स देखे नहीं है। बट लेट्स सी, क्या पता आज हमारी किस्मत चमक जाए। एंड ऑल्सो आज संडे है तो इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई, लोग मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं कितनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर हूँ। इट्स सो ऑकवर्ड, बट आई हैव टू डेवलप दिस कॉन्फिडेंस गाइस। भैया यहाँ कोई सेल चल रही है क्या? ये इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? 100 रुपीज़। ओ वाओ गाइज, हमारा प्लान था कि पहले हम टॉप हंटिंग करेंगे, बट अभी हमें यहाँ पे एक स्टॉल मिला है जहाँ पे सब कुछ 100 रुपीज़ में मिल रहा है यार, जो कि बहुत ही ज़्यादा, आज जैसे लग रहा है दिन चमक गया है मेरा। कभी यहाँ पे नहीं मिलता कुछ भी 100 रुपीज़ में, और ये अच्छा लग रहा है। बट ये मुझे आएगा कि नहीं पता नहीं। और मुझे ऐसे जीन्स बहुत टाइम से चाहिए, पता है कि दोनों ऐसे नीस पे रिप्ड हो, बट वही है कि ये मॉम है, मुझे आ जाएगा। स्टॉल से निकल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन था वहाँ पे, बट वहाँ के अंकल कुछ ज़्यादा रूट थे, रिकॉर्ड मत करो। एंड प्लस मेरे को जीन्स पसंद आई ना, उसमें दाग भी लगा हुआ, तो मैंने बाद में देखा तो फिर मैंने रख दिया। एंड कुछ ज़्यादा खास पसंद इन लोगों को आ नहीं रही थी, बहुत नखरे हैं इन लोगों के, बहुत ज़्यादा फटी है, बहुत बेकार लग रही है ये और वो। यार मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है, फैमिली में बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। क्या हमें एक स्टॉल मिला है जहाँ पे कुछ ढंग के टॉप्स हैं भाई। सारे स्टॉल ऐसा लग रहा है पल्टन बाजार से गायब हो गए। यार ये ब्लैक वाला टॉप ये मैं ओनली से लाई हूँ, इतना महंगा, और ये एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे है। इस मुझे यहाँ ना बेबे का टॉप मिला है और मैं ये ज़रूर ले रही हूँ। अब यहाँ पता नहीं ये किसकी दुकान है, भैया भी नहीं है, मैं कैसे प्राइस पूछूँ, कोई है ही नहीं यहाँ पे। यानी बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसे प्रिटी सा लेस डिटेलिंग है, लुक्स प्रिटी। पता चला है कि जिसकी ये शॉप है ना उनकी ऊपर भी शॉप है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं अभी देखने। एंड मे बी यहाँ के जो भैया हैं वो ऊपर ही हैं। ये शॉप है पीटर इंग्लैंड के जस्ट बगल में, किड्स वेयर है एंड उसके ऊपर ये शॉप है। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे टॉप्स हैं एंड जो मैंने चूज़ किया वो सिर्फ 150 का है, वो मैं थोड़ा भी डिस्काउंट करने का ट्राई करूँगी। एंड अगर ट्रिप्स वगैरह के लिए लेना है ऐसे बहुत ज़्यादा प्रिटी प्रिटी पिंटरेस्टी टॉप्स हैं। जैसे मैंने अभी एक ब्लू टैंक टॉप भी उठाया है जो कि बहुत अच्छा है। अब मैं कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि ब्लैक वाला लूँ या ब्लू वाला लूँ। गाइज वी हैव टू ऑप्शंस, एक ये ब्लैक बेबे वाला और एक ये ब्लू टैंक टॉप। मुझे दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसका पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये इस पर भी सूट कर रहे हैं मेरे इस जीन्स पे। और ये टॉप डिसाइड करती हूँ कौन सा लेना है। फर्स्ट परचेज इज डन एंड 400 लेफ्ट। सो मैंने वो ब्लैक वाला टॉप ले लिया है बेबे वाला, क्योंकि मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था। ऐसे टैंक टॉप तो सबके पास ही होता है, टैंक टॉप से H&M से भी ले लेते हैं, एंड दिस वॉज समथिंग डिफरेंट। ऐसा ब्लैक लेस मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। सो यार फर्स्ट परचेज इज डन, नाउ लेट्स गेट द बॉटम्स। जो शॉप है ना ये क्लोविया के जस्ट बगल में, इनका नीचे भी स्टॉल है एंड इनकी जो मेन शॉप है वो ऊपर है। देर स्टोर ये ऊपर स्टेयर्स पे जाके बहुत बहुत अच्छा कलेक्शन है, एंड इन्होंने बोला कि इनका विंटर कलेक्शन भी आने ही वाला है अभी बस एक हफ्ते में। और सर्च फॉर द परफेक्ट बॉटम बिगिंस भाई, यहाँ पे पल्टन बाजार में बॉटम्स अंडर 200 ढूंढना बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। अनलाइक लखनऊ में काफ़ी चीज़ सस्ती मिल जाती है, बट यहाँ पे कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। हियर इन दिस स्टोर एंड यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, पता नहीं यहाँ पहले क्यों नहीं कभी है। एंड अभी तो मुझे यहाँ पे जीन्स देखनी है, जीन्स शॉर्ट्स पैंट्स कुछ भी मिल जाए बस ब्लैक टॉप पे जाने के लिए। टॉप मैंने ऑलरेडी ले लिया है, बट हमें बहुत प्यारे प्यारे शर्ट्स हैं भाई, वो लड़कियाँ ट्राई करी है, इतने प्यारे प्यारे शर्ट्स हैं यार, इतने रीजनेबल प्राइसेस पे भी है। अभी मैं उसकी लोकेशन बताती हूँ, वेट। मिस जीन्स का साइज़ ना अपने गले पे पीछे से करो, ऐसे नहीं जाएगा, आगे लग गए। तुम सही से नहीं कर रहे हो, आ जाएगा। मैंने जीन्स भी ले लिए एंड जो मैंने दिखाया था ना ब्लू वाला वो मैंने नहीं लिया है, मैंने दूसरी ली है, वो मैं दिखाऊंगी फाइनल जब मैं आउटफिट रिवील करूंगी पूरा तब। एंड हमें 200 में जीन्स मिली है भाई, वो भैया बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए अलाउ कर दिया। एंड ऑल्सो फिर उन्होंने बोला लॉ मैं आपका पूरा आउटफिट बना दूँ 500 रुपये में। मैंने बोला नहीं नहीं भैया मैं टॉप ले चुकी हूँ, बस जीन्स चाहिए। पहले वो 250 बोल रहे थे, बट वो 200 में फिर मान गए, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे फुटवेयर भी लेना है अभी। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, एंड हमें फुटवेयर कोई भी नहीं मिल रहा 200 के नीचे, 250 के नीचे, सब इतना ज़्यादा कॉस्टली है, वो कर ही नहीं रहे कम। सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्किपिंग द फुटवेयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम शॉप है वैसे फुटवेयर की एंड बिल्कुल अच्छा भी नहीं मिल रहा है। सो मैं सोच रही हूँ कि जो पैसे बचे हैं उससे मैं थोड़ी अच्छे से हुप्स टाइप्स ईयरिंग्स वगैरह ले लूँ एंड फुटवेयर को स्किप कर देते हैं। इतनी प्रिटी प्रिटी ईयरिंग्स है ना यहाँ पे, एकदम बीच वाइब्स वाली, बट अभी हमारा वो वहाँ से ध्यान अभी भटकाते हैं अपना, हमें
क्लासी, हमें थोड़ी क्लासी टाइप चाहिए। गाइस हमने ईयर रिंग भी ले ली है एंड इतनी 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 ज़्यादा गर्मी है ना भाई, हालत ख़राब हो गई है हमारी आज बल्टन बाजार आके। एंड नाउ वी आर फाइनली गोइंग बैक टू कॉलेज एंड वहाँ जाके मैं अपना अपना आउटफिट दिखाती हूँ। सो वी आर बैक टू द रूम नाउ, लेट मी शो यू मैं क्या क्या लाई हूँ। लेट्स पुट दिस हियर एंड आज कुछ नया नोटिस कर रहे होगे, दिस माइक। सो इफ़ यू गाइज हैव सीन माई बर्थडे गिफ्ट्स व्लॉग, वहाँ पता होगा दैट ध्रुव गिफ्टेड मी दिस माइक एंड आई एम लविंग यूजिंग इट। ऐसे मुझे बहुत प्रोफेशनल सी वाइब्स आ रही हैं। ओके सो फर्स्ट स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द टॉप। अयो आज अगर ये खुल गया तो पक्का दिखा दूंगी। सो आई गॉट दिस ब्लैक टॉप, इस पर ऐसे लेस डिटेलिंग है एंड इस पर लिखा हुआ है बेबी। सो इफ यू डोंट नो, बेबी इज अ वेरी लाइक लग्जरी ब्रांड, लग्जरी में नहीं आता, नॉर्मल है बट थोड़ा कॉस्टली ब्रांड्स में आता है एंड इसका स्टोर भी है सेंचुरी देहरादून में, मैं वहाँ जा चुकी हूँ। सो दिस इज द टॉप, इसमें से लेस डिटेलिंग है एंड नाउ लेट मी शो द जीन्स जो कि मैंने नहीं दिखाई थी। पर द जीन्स पहले मैं डार्क ब्लू जीन्स देख रही थी, देन आई थॉट कि ब्लू तो है यार एंड ब्लू मेरे पास मतलब उस शेड की जीन्स थी ऑलरेडी एंड दिस जो मैंने शेड लिया है ये मेरे पास था ही नहीं एंड आई वॉन्टेड दिस शेड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम बट मेरे को स्ट्रेट फिट में चाहिए था बट फिर भी मुझे ये मिला है। जो ये है ये क्या बोलते हैं उसको, स्किनी फिट में है। ये उल्टा खुल गया। सो यार दिस इज द जीन्स एंड मैंने इसको अच्छे नेक पे नापा था तो सही था साइज। दिस इज द जीन्स। तो जैसे कि मैंने बताया मेरे को फुटवेयर कहीं भी नहीं मिल रहा था, कहीं भी नहीं, लेजिट हर जगह वो 250-300 बोलते थे, मैम 150 में तो आता ही नहीं है, ये वो आप 200 में ले लो, 250 में ले लो। मैंने भैया इतना बजट ही नहीं है मेरा एंड फुटवेयर ऐसी चीज़ें जो मैं बेकार से नहीं ले सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा, अल्टीमेटली मैं कहाँ फेंकूंगी उसको। सो मैंने सोचा कि मैं ईयर रिंग ले लेती हूँ। सो आई गॉट दीज सिल्वर हुप्स जो कि बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे मेरे आउटफिट को एंड दीज वर ओनली फॉर 100 rupees। इतने प्यारे प्यारे ईयर रिंग्स हैं यहाँ पे, मैंने इतने मुश्किल से अपने आपको रजिस्ट किया है ना, बिकॉज आई एम अ बिग लाइक मेरे पास बहुत सारी ईयर रिंग्स का कलेक्शन है एंड मुझे मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना है ये सब। सो आई गॉट दिस सिल्वर हुप्स, नाउ लेट्स ट्राई द आउटफिट। सो गाइज दिस इज द फाइनल लुक। ये क्लिप मैं 3-4 दिन बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले इनको वॉश किया था एंड देन पहना है। पल्टन से मैं कुछ भी लाती हूँ तो पहले वॉश करती हूँ। सो दिस इज द टॉप, इस पे बेबे लिखा हुआ है एंड ये ब्लैक में है, इस पे लेसेस भी हैं। वी हैव दिस कार्बन ब्लैक जीन्स, ये ऐसे स्किनी फिट जीन्स है बट ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइट है तो मैं इसको पलक को देने वाली हूँ डेफिनेटली। ये मेरे यहाँ पे ना बहुत टाइट है एंड ये लो वेस्ट है एंड आई डोंट प्रेफर लो वेस्ट जीन्सेस क्योंकि मैं थोड़ी सी चब्बी सी हूँ और मुझे लो वेस्ट पसंद भी नहीं है। एंड ऑल्सो आई एम वेयरिंग दिस गोल्डन सिल्वर हुप्स और या सो दिस इज माई फाइनल लुक। एंड काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है तो मैं खिड़की पे शूट भी नहीं कर पा रही, मुझे यहाँ पे शूट करना पड़ रहा है। आई एम लविंग दिस टॉप, ये इतना ज़्यादा शीक क्लासी वाइब्स दे रहा है एंड प्लस मेरे पास ऐसा कुछ टॉप है भी नहीं ब्लैक में ऐसा लेस वाली डिटेलिंग में। एंड ऑल्सो इग्नोर दिस इंसेक्ट बाइट, मेरे को पूरे चेस्ट पे नेक पे इंसेक्ट्स ने बाइट कर रखा है, मेरे बेड पे इतने सारे इंसेक्ट्स आ रहे हैं ना, प्लीज़ बी सेफ गाइस क्योंकि ये बारिश का मौसम है ना, हमारे रूम्स में बहुत इंसेक्ट्स आते हैं एंड ये मुझे पता नहीं कब बाइट कर लिया इतना ज़्यादा और ये सही भी नहीं हो रहा है, मतलब इट विल टेक अराउंड 10 days टू हील, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है इसमें। ओके लेट्स कम बैक टू द आउटफिट, व्हाट वुड यू रेट माय आउटफिट आउट ऑफ 10, टेल मी इन द कमेंट्स। गाइस लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड ऑल्सो टेल मी कि ऐसे चैलेंज वीडियोस कैसे लगते हैं सबको एंड आई विल ट्राई मोर ऑफ देम एंड यू कैन सजेस्ट सम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो बाय बाय।